शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा लगातार दूसरे वर्ष भी कैंप वन तीन दर्शन मंदिर परिसर में बाबा महाकाल की भव्य पालकी यात्रा समिति के अध्यक्ष सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में निकाली गई। तीन दर्शन मंदिर परिसर से निकली महाकाल की यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त शामिल। लगातार दूसरे वर्ष शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर तीन दर्शन मंदिर कैंप वन स्थित परिसर से बाबा महाकाल की विशाल पालकी यात्रा समिति के अध्यक्ष सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में निकाली गई। मंदिर परिसर से पालकी निकालने के पूर्व विधिवत पूजा अर्चना हुई। बाबा महाकाल की पालकी यात्रा ने कैंप सुपेला पावर हाउस आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया। इसका समापन मंदिर परिसर में हुआ। पालकी यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। भक्तों में महाकाल जी की पालकी को उठाने होड़ लगी रही। पालकी यात्रा में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृतक दल बैलगाड़ी बग्घी आकर्षण का केंद्र रहे। पूरी यात्रा महाकाल के जयकारों से गूंजती रही। समिति के अध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। सबसे पहले तो हमारा शिव शक्ति सेवा समिति बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है इस साल। आप देख सकते हैं जैसा कि बाबा की महाकाल जी की पालकी यात्रा बहुत ही अच्छे से हमारे शहर में निकाला जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा नजारा जो हम देख सकते हैं। बाबा महाकाल जी के भक्ति के स्वरूप हम दिखा सक रहे हैं। एक हमारा उद्देश्य है बाबा महाकाल जी की भक्ति किस तरीके से हम दर्शा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आए और बाबा का दर्शन करें और बाबा का भव्य रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय श्री महाकाल। आइए देखते हैं पालकी यात्रा की कुछ खास झलकियाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।